जबलपुर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने जबलपुर लोकसभा सीट पर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार विवेक दंखा को लगातार दूसरी बार प्रचंड मतों से पराजित किया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। महाकौशल में कांग्रेस का जोर होने के कारण राकेश सिंह को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की लहर और हर हर मोदी घर घर मोदी के चलते कांग्रेस प्रत्याशी को 4 लाख से अधिक मतों से हरा कर और जबलपुर की जनता ने राकेश सिंह को फिर से जीत का सहरा बांधा। वैसे आज भरपूर हो गया इंटरव्यू, सारा दिन चले नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जबलपुर वाला चाहिए। अभी समय क्या? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और जितना मुझे दिया है इतना भी मैंने कभी सोचा नहीं था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो निर्धारण करेगी, एक कार्यकर्ता होने के नाते उस कार्य को करना ये हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए पार्टी के द्वारा दिए गए कार्यों का निर्वहन हम आगे भी करेंगे। अमेठी से राहुल की हारने को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अमेठी में राहुल गांधी ने हार के वास्तव में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को राहत प्रदान की है कि तुम अकेले नहीं हारे हो, तुम्हारा नेता भी हार गया है। और जब ये बात होती थी कि वो कहते थे कि आप मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हो, तो मैं बार बार कहता था मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं से कि अगर आप में साहस है तो आप राहुल गांधी जी के नाम पर वोट मांग कर दिखाओ। लेकिन हालत ये है कि राहुल गांधी स्वयं अपनी उस परंपरागत सीट से चुनाव हार गए जहाँ के लोगों से उन्होंने अनेकों वायदे किए थे और पीढ़ियों से उस सीट पर वहाँ की जनता उनको जिता रही थी। लेकिन वहाँ की जनता भी आजेज आ गई थी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई भी खाली मैदान देख के वहाँ की जनता से कह दिया करते थे कि यहाँ हम मोबाइल फैक्ट्री लगवा देंगे, तो लोगों ने उनकी सभाओं के समय पे खाली मैदान को ढाकना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस के नेताओं को डर लगता था कि किसी संसदीय क्षेत्र में जाकर यहाँ भी वो ऐसी ही घोषणा कर देंगे और बाद में उनका मजाक बनेगा। अमेठी की जनता ने भी इस बात को महसूस किया कि जहां परंपरागत रूप से उनको लगातार वहां की जनता चुनाव जिता रही है, वहां पर एक भी कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ, विकास का कोई भी कार्य वहां पर नहीं हुआ और इसीलिए जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाया है।